जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं आ चुकी हूँ किचन में और बड़ी अच्छी सी यमी सी आपके लिए डिश तैयार करने के लिए। ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसे आगे से आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा चलती है मैं वीडियो की तरफ से। तो वीडियो की तरफ में जो मैंने आज बनाने के लिए सोचा है वो गाजर का भरता। गाइस याद रहे कि मैंने इसके पहले गाजर की बनाई थी, मैंने खीर बनाई थी और गाजर का हलवा बनाया था। तो आज मैं सोच रही थी गाजर की बर्फ़ी बनाऊं या गाजर का भरता बनाऊं। तो बर्फ़ी इसलिए नहीं बनाई कि जब मैंने स्वीट बनाए हैं तो मुझे वो कमेंट्स वो व्यूज़ नहीं मिले जो तवक्को रख के मैंने बनाया था। तो इसलिए आप लोगों की राय भी जानना ज़रूरी है, क्या आगे मैं मीठा बनाऊँ। अच्छा बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात आगे चलती है। ये है गाजर और इस साइज़ में काटना है, इस तरह से काटना है। मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया है काटने के बाद। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये प्याज ज़ीरा है, इसको सबसे पहले डाला जाएगा बघार के लिए। और जो मसाले जाते हैं इसमें ये है सॉल्ट, मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम इसमें डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले में लेस पैदा हो जाए। हमने डाल दिया मसाले में, अब लेस हो जाएगा। तो जो हमें मिड में जो मसाला डालना है, देखिए देखने से इतना प्यारा लग रहा है तो डिश कितनी अच्छी बनेगी। तो ये हमने खटाई ले ली है, ये लाल वाली स्वीट पेपर ली है और ये येलो स्वीट पेपर है, ऑरेंज स्वीट पेपर है, ये है लॉन्ग हॉट पेपर। अच्छा ये लेमन के दो पीस लिए हैं, देखूंगी भुनने के बाद ये कितना हुआ है मेरा ये गाजर का भरता। तो उस हिसाब से या तो ये वाला डाल दूंगी मैं लेमन या ये डालूंगी। खटाई मैंने काफ़ी देर भिगो के रख दिया था, चूँकि यहाँ पे मुझे आपको दिखाना था तो मैंने यहाँ पे रख दिया। चलते हैं आगे। तो तेल हमारा पहले से गर्म हो चुका है, हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज और जीरा गाइस हमेशा साथ में डालिएगा, जीरा में ज़्यादा जीरा जो है ब्राउन नहीं होना चाहिए और प्याज भी इसी तरह ज़्यादा ब्राउन नहीं होगी। हल्की ब्राउन हो गई प्याज हमारी और हल्का ब्राउन जो है जीरा हो गया। सारा मसाला यकजा करने के बाद मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था इसमें। गाइस गाजर का भरता जो है बहुत टेस्टी बनता है। मैं आपसे इस तरह से नहीं बता रही हूँ कि अपनी वीडियो चमकाने के चक्कर में, लेकिन गाजर का भरता बहुत ज़बरदस्त बनता है। जो भी मैंने इसका गाजर का हलवा बनाया बहुत टेस्टी था, बर्फ़ी बहुत अच्छी थी, इसकी खीर इसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। बर्फ़ी अब रह गई है, प्लीज़ हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मैं बर्फ़ी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात पर कि जो मैंने बड़े शौक़ से बनाया कि हमारे जो देखने वाले पसंद करेंगे, तो पता चलता है उसमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो ये दिल तोड़ने वाली बात ना करें। अगर आपको पसंद आती है मेरी डिश तो आप बताएं कमेंट में, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कमेंट करें। कमेंट करवाने का मकसद यही होता है कि मैं आपकी राह से जो आपकी राय हो उससे आगाह हो जाऊँ, उसी तरह से मैं डिशेज बनाऊँ। अच्छा इसको थोड़ा इस तरह से भी भूनेंगे।
गाइस थोड़ा इसमें पानी जाएगा लेकिन गर्म। आपसे पहले जितनी भी वीडियो हुई है मैं पानी डालते वक्त मैंने बताया कि मैं गर्म पानी डालती हूँ, उसूलन गर्म पानी डालना चाहिए, आप गर्म पानी डाला करें, जायका जो है इसका ख़राब हो जाता है बीच में ठंडा पानी से। और वो मिसाल के तौर पे गोश्त है ये वाली सब्ज़ी अगर ठंडा डालूँगी तो वो जो है हार्ड हो जाएगी, बहुत टाइम ले लेगी। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निकल है, हर चीज़ जो है टेक्निकली अगर सोचा जाए तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये गाइस ये देखिए इसमें पानी ज़रा खुश हो गया है और ये हमारी गाजर जो है कुक हो गई है अच्छी तरह से, गल गई है, इसको अब घोटने की ज़रूरत है, लेकिन घोटना इतना ज़्यादा नहीं है, भरता बनाना है ना, तो बिल्कुल ज़्यादा अगर आप मैश कर देंगे तो उसका टेस्ट चला जाएगा। बिल्कुल मैश नहीं करना है क्योंकि फिर वो जायका नहीं रहता है। खटाई इसमें डाल दिया, गाजर हमारी टूटने लगी है लेकिन थोड़ा और हमें करना है। काइंडली बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, आगे से आगे शेयर करें, यही मेरी हर दफ़ा इंतज़ार होती है ताकि मैं वीडियो जो है आपको एवरी वीक मुझे समझ में आता है कि मैं ये बना लूँ लेकिन फिर फिक्र में हो जाती हूँ कि ये आप देखेंगे या पसंद आएगी कि नहीं आपको, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि मैं जब भी मिठाई बनाती हूँ तो मैंने देखा कि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते जितनी तवक्को होती है। तो प्लीज़ कुछ हेल्प करें आप लोग कि ताकि मुझे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। सब्सक्राइब कर दें आप, सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को भी रिक्वेस्ट कर दें। गाजर हमारी अच्छी तरह से टूट गई है लेकिन ना बिल्कुल बारीक नहीं हुई है, इसको ब्लेंड रखना है ताकि जायका मिले आपको। मैं चला के देखूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गाइस एक बार फिर देखें आप, हमें इसी तरह के फ्लेवर की मिर्चें चाहिए, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सी डिश है, अगर यकीन ना है तो एक बार ट्राई करके देखिए। लेमन का एक टुकड़ा डालना है क्योंकि मैंने अभी टेस्ट किया है, मुझे ज़्यादा नीड नहीं है इसकी, ऑलरेडी हमने खटाई डाल दी है। हरी धनिया डालना है, गाइस सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें दम पे रखना है ताकि जो हमने अभी स्वीट पेपर और लॉन्ग हार्ट जो है डाली है इसके अंदर वो जो है सॉफ्ट हो जाए और जायका इसके अंदर मिक्स हो जाए। हाँ जी ये दम पे लगा हुआ था, ये हो गया। डिश आउट करते हैं,
गाइस आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये इतनी सुपर डिश है, इतनी सुपर डिश है। गाजर के हलवे की एक अलग वैल्यू है, एक अलग उसका टेस्ट है, लेकिन वो भी मैं बना चुकी हूँ, लेकिन ये इसका गाजर का भरता बड़ा ज़बरदस्त है। ये रंग बिरंगा ज़बरदस्त डिश है, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। और मेरी ये तमन्ना होती है कि जो हुनर मुझे आता है आगे से आगे वो पहुँच जाए, क्योंकि हुनर लेके दुनिया से चले जाना ये कोई इंसाफ की बात नहीं होती कि अब मेरे पास ये हुनर है तो मैं सोचती हूँ कि लोग इसको जान सके। बड़ा ज़बरदस्त है ये यूँ कह लें आपके दस्तरखान वाला ये गाजर का भरता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक मशवरा है, अगर पेरेंट्स हों उनकी मदद कीजिए, उनकी आप खिदमत कीजिए, और अपना अपने बच्चों का बड़ों का ख्याल रखिए, सेहत का ज़्यादा ख्याल रखिए। सेहत चली जाती है तो दोबारा नहीं मिलती है, तजर्बा है ये। तो आप फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह निगहबान।